गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कुछ छोटे छोटे टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हमारा पहला टर्म्स आता है करंट डेंसिटी। हमारी यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें कल हमने थोड़े छोटे छोटे टर्म्स पढ़ाए थे आप लोगों को, जैसे रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसके बारे में समझाया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ और टर्म्स, करंट डेंसिटी, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। व्हाट इज करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी वो हम डिफाइन कर सकते हैं किसी सरफेस से करंट फ्लो हो रहा है, किसी भी सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट एरिया से फ्लो होने वाला करंट करंट डेंसिटी कहलाता है। करंट डेंसिटी मीन्स ये हमारे पास कोई वायर है, मैंने एग्जांपल कर दिया, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, इसकी क्रॉस सेक्शन से दिखाइए, ये जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये सरफेस है, इस सरफेस का नॉर्मल वेक्टर मैं इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकता हूं। तो नॉर्मल डायरेक्शन में फ्लो होने वाला करंट, यानी द करंट फ्लोइंग नॉर्मली थ्रू अ यूनिट सरफेस इज कॉल्ड एज द करंट डेंसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय जे। तो अगर मेरे पास ये नॉर्मल डायरेक्शन है, यहां पर मैंने नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ किया हुआ है, तो इस नॉर्मल की डायरेक्शन में पर यूनिट सरफेस एरिया, इस पर सरफेस एरिया कुछ भी रहा हो, इसके यूनिट सरफेस एरिया से जो करंट फ्लो करेगा उसको हम कहेंगे उसकी करंट डेंसिटी, एंड इट इज डिनोटेड बाय जे इक्वल्स टू आई अपॉन ए, वेयर जे करंट डेंसिटी, ये करंट डेंसिटी को डिनोट करता है, आई डिनोट्स इलेक्ट्रिक करंट एज वी ऑल नो, एंड ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। This is the formula for calculating current density. Means the current flowing through unit surface area normally to that surface is called current density. किसी भी सरफेस, किसी भी कंडक्टर की क्रॉस सेक्शन, अगर ये चौक है मेरे पास, कंडक्टर मान लिया, तो इसका ये जो पार्ट है क्रॉस सेक्शन कहलाएगा, और इसके नॉर्मल डायरेक्शन में फ्लो होने वाला करंट पर यूनिट सरफेस एरिया से फ्लो होने वाला करंट जो कहलाता है वो उसकी करंट डेंसिटी कहलाता है। अब कंडीशन ये होती है कि अगर ये तो नॉर्मल है, अगर करंट नॉर्मली नहीं है, इफ द करंट मेक्स एन एंगल थीटा टू द नॉर्मल, नॉर्मल के साथ एंगल थीटा बन गया, सपोज ये हमारे पास सरफेस है और इस सरफेस का इलेक्ट्रिक करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, नॉर्मल कहीं ड्रॉ करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में ड्रॉ हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो गया नॉर्मल, और इधर है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, तो ये क्या करेगा, थीटा एंगल बनाएगा करंट के साथ में, तो जो करंट का जो एरिया है हमारा एरिया वेक्टर, उस एरिया वेक्टर का नॉर्मल डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा, और इधर कंपोनेंट हो जाएगा ए साइन थीटा, और ये आएगा ए कॉस थीटा। तब हमारे पास जो करंट डेंसिटी जे इक्वल्स टू आएगा आई अपॉन, तो हम ए भी लगा के कराएंगे ए कॉस थीटा, नॉर्मल डायरेक्शन में क्या लगा था, करंट फ्लोइंग नॉर्मली टू दैट सरफेस, तो इस सरफेस का जो नॉर्मल करंट फ्लो हो जाएगा, क्योंकि अभी सरफेस थोड़ा सा इस तरह से रखा हुआ है, तो नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ये सरफेस है इसके परपेंडिकुलर टू ड्रॉ करिए किस डायरेक्शन में, करंट हमारा किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो ये करंट का डायरेक्शन है और ये नॉर्मल का डायरेक्शन है, तो नॉर्मल वेक्टर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट के साथ में जो एंगल बनाएगा
थीटा एंगल वही कंसिडर किया जाएगा और एरिया वेक्टर जो होता है हमारा वो एरिया वेक्टर नॉर्मल डायरेक्शन में दिया जाता है तो उसका कंपोनेंट एरिया हमने ए कॉस थीटा यानी कि इस तरह से बन जाएगा एरिया वेक्टर का ये कंपोनेंट लेंगे हम ए ए कॉस थीटा और ये ए साइन तो हमारे पास करंट हो जाएगा जे इक्वल्स टू आई अपॉन ए कॉस थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं जे ए कॉस थीटा देयरफॉर आई इक्वल्स टू जे डॉट ए ये कंडीशन भी प्रूव करती है कि आई इज अ स्केलर क्वांटिटी यानी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी यहां से भी हम प्रूव कर देते हैं कि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी इससे पहले भी हम पढ़ा चुके हैं कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी क्यों हुआ करता है और ये जो बता रहा है मैंने डॉट प्रोडक्ट लेंथ डायमेंशन से वेक्टर क्वांटिटी एंड एरिया वेक्टर इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी दैट इज व्हाई वी कैन से दैट करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी करंट क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है तो यहां हमने समझा करंट डेंसिटी क्या होता है किसी भी सरफेस एरिया किसी भी क्रॉस सेक्शन के यूनिट सरफेस एरिया से नॉर्मल डायरेक्शन में फ्लो होने वाला करंट होता है उसे हम क्या कहते हैं करंट डेंसिटी कहते हैं नेक्स्ट है हमारे पास कंडक्टेंस वी हैव कंडक्टेंस व्हाट इज कंडक्टेंस इससे पहले हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट यानी किसी भी कंडक्टर किसी भी वायर की ऐसी प्रॉपर्टी जो अपने अंदर से फ्लो होने वाले करंट का अपोज करता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस उस वायर का रेजिस्टेंस कहलाता है कंडक्टेंस कंडक्टेंस मींस हाउ इजीली करंट फ्लो थ्रू अ वायर किसी वायर में कितनी आसानी के साथ करंट फ्लो कर पा रहा है वो उसकी कंडक्टेंस को बताता है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस मींस हाउ इजीली द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर आसानी के साथ किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर पा रहा है वो कहलाता है उसका कंडक्टेंस है इट इज डिनोटेड बाय जी जी इक्वल्स टू 1 अपॉन आर वी कैन से दैट द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है वो बताएगा उसकी कंडक्टेंस को बिकॉज रेजिस्टेंस बताता है डिफिकल्टी इन द फ्लोइंग ऑफ करंट और कंडक्टेंस बताता है इज इन द फ्लोइंग ऑफ करंट हाउ इजीली द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर दैट इज व्हाई वी कैन से दैट कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल टू द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इट्स एसआई यूनिट इज इसका जो एसआई यूनिट हुआ करता है रेजिस्टेंस तो होता है ओ ये हो जाता है ओ इनवर्स जैसे ऐसे लिख सकते हैं ओ एच एम इनवर्स या इसको लिख देते हैं एम एच ओ वो और दूसरा क्या होता है इसका तो दूसरा यूज होता है एक नाम है सीमेंस एस ये भी कंडक्टेंस का एक यूनिट है कंडक्टेंस जी इक्वल्स टू 1 अपॉन आर रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस नेक्स्ट होता है हमारे पास कंडक्टिविटी कंडक्टेंस भी है कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी जो बना है रेजिस्टिविटी से रेजिस्टिविटी भी हमें किसी यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और यूनिट लेंथ के वायर का जो रेजिस्टेंस है वही उसकी रेजिस्टिविटी को शो करता है तो हम यह कह सकते हैं अगर रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को हम कहते हैं कंडक्टिविटी इसको हम सिग्मा से रिपोर्ट करते हैं ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी है एसआई यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ सिग्मा इज ओम मीटर इनवर्स रो का एसआई यूनिट होता है ओम मीटर ये रेसिप्रोकल है सिग्मा रेसिप्रोकल है रो का तो इसके यूनिट का रेसिप्रोकल कर दिया हमने इसको दूसरे तरह से ले सकते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स और एस एम इनवर्स इवन मीटर इनवर्स ये लिखा जा सकता है तो दिस इज द कंडक्टिविटी व्हिच इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी और
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब आगे बढ़ते हुए हमारे पास आता है रिलेशन, जो कि एग्जाम में काफी पूछा जाता है। ये हुआ करता है रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा एंड टी, और ये दूसरे तरह से पूछा जाता है वेक्टर फॉल ऑफ ओम्स लॉ। उसको हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इसको करते हैं हम लेट ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल। हमने अगर कोई कंडक्टर कंसीडर किया हुआ है, ये कनेक्टेड है किसी बैटरी से, सोर्स से, जिसका वोल्टेज भी है, इसकी लेंथ एल है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड देयरफॉर वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता है टी अपॉन एल, जो हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं, तो उसमें डिवाइड कर देंगे तो वी इक्वल्स टी एल हो जाएगा। बट वी इक्वल्स टू होता है आई आर, therefore यहाँ दिए जब आई आर लिख दिया हमने तो आई आर इक्वल्स टू ई इन टू, ये हमने पहले इक्वेशन ले ली। अगेन हमारे पास एक फॉर्मूला होता है दैट रो की द रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी हुआ करती है फॉर्मूला होता है आर इक्वल्स टू रो एस अपॉन के। ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में लगा देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, यहां के लिए आई इंटू आर की जगह पर रो एल अपॉन ए दिया गया, आई एल इक्वल टू ई टू एल, आई एल इज आर आर रिप्लेस बाई रो एल अपॉन ए, आर की जगह पर हमने रो एल अपॉन ए लगाया, राइट हैंड साइड ई टू एल, एल से कैंसिल हो गया, आई अपॉन ए इंटू रो इक्वल टू ई। इसको लिखा जा सकता है, यह मालूम है आई अपॉन ए क्या हुआ होता है जे करंट डेंसिटी, इसको लिख सकते हैं जे इंटू ए, एक ये आ गया हमारे पास, या जे वेक्टर पॉइंट के लिए, ए भी वेक्टर पॉइंट के लिए, एक रिलेशन ही निकल कर आ गया। बट ये वन अपॉन सिग्मा हुआ करता है, तो रो की जगह पर हम ले सकते हैं वन अपॉन सिग्मा, तो ये बन जाएगा जे वन अपॉन सिग्मा इक्वल्स टू टी, सिग्मा लग जाएगा जे इक्वल्स टू सिग्मा इंटू टी। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ एंड ऑल्सो द रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा टी दैट जे रो एंड टी बीच का रिलेशन। इसके बाद हमें टॉपिक्स पर कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं।